हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारती भवन क्लास नाइन्थ की मैथ्स की बुक का एक्सरसाइज टू ए के क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को। 21 से पहले यानी कि 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास नाइन्थ भारती भवन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी एक्सरसाइज 1 से लेकर पूरा आपको अभी तक के सारी वीडियो वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था लेकिन एक दो बच्चे ने मुझे बताया कि सर मुझे जरूरत है इस चीज की, इस वजह से मैं आप लोग के लिए भी ये वीडियो बनाना शुरू किया हूँ फिर से। ठीक है, तो आप लोग की अब जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी जल्दी आपके लिए ये वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इसमें क्या। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकालें। ठीक है, सभी क्वेश्चन में मैंने समझा दिया आप लोग को, आप लोगों को पता होगा शून्यक क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक बहुपद शून्यक निकालें। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, px आपका एक बहुपद दिया गया है, इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक वो संख्या होती है जिसको x की जगह पर रखने पर ये बहुपद हमारा शून्य बन जाए, यानी कि 0 बन जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले क्वेश्चन में हमारा जो px दिया गया है, वो px हमारे पास क्या है, px बराबर हमारा दिया गया है x+5। तो हम लोग को क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, px को 0 के बराबर करना होता है। तो px हमारे पास है x+5, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, ये जो +5 है बराबर के इस तरफ जब लेके आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि +5 जब इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो एक शून्य का आ गया इसका वो हो गया x = -5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 21वां क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। इसका सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है q(y), यानी कि ये हमारे पास एक जो है बहुपद दिया गया, पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें जो बहुपद हमारा y में दिया गया, और y - 5 एक बहुपद है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को यानी कि q(y) को हम 0 के बराबर करेंगे तो y - 5 = 0 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू हमें क्या निकलेगी, -y है, इधर आएगा तो +y बन जाए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y = 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखते हैं। p(x) बराबर दिया हुआ है 3x, तो यहां भी हमें क्या करना होगा, p(x) को 0 के बराबर करना होगा शून्य लाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, 3x = 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ पे देखो इसको कंफ्यूज मत होना, ये जो नीचे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 0/3, यानी कि 0/3 कितना हो गया, 0 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है, px बराबर हो जाएगा 2x+1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, px को 0 के बराबर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x+1 = 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है हमारा प्लस में वो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 2x = -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -1/2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके पास है इसमें 5th, q(y) = ay दिया हुआ है। ठीक है, और ये कहा गया है कि a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, बस a आपको 0 के बराबर नहीं करना है, और ये आपको कहा गया है कि a 0 के बराबर नहीं है, तब आप y की जो वैल्यू है वो निकालिए कि हमारा ये 0 बन जाए, क्योंकि अगर a को हम 0 रख देंगे तो y की कोई भी वैल्यू आएगी तो वो 0 बना देगी इस पूरे पॉलिनोमियल को, इसलिए कहा गया है कि a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब y की वैल्यू बताइए कि क्या रखें y की वैल्यू कि ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q(y) हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो यानी कि ay = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/a, मतलब के 0, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, y = 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 22,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि नीचे सॉरी जांचें कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस किस का शून्यक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है इसमें हमको जांचना है कि -1 किस किस का शून्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम -1 को इन सारे बहुपदों में रखते हैं और देखते हैं कि -1 रखने पर जो भी चर हमारा दिया गया है वहां पे -1 रखने पर कौन कौन से बहुपद हैं जो जीरो बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें जीरो आ जाएगा आंसर, हम कहेंगे कि -1 उस बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखो हमारे पास जो 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन में हमारे पास py दिया गया। पहला क्वेश्चन हमारा है p(y) = 2+y²+y³+2y7। और यहां पर हमारे पास चेक करना है -1 को, तो p(-1) निकालो। तो 2+y की जगह क्या रखोगे, -1 रखना होगा। ठीक है, तो -1² + -1³+2 × -1⁻⁷ क्या बन जाएगा, 2+-1² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और -1³ क्या होगा, -1 होगा। और 2 × -1⁷ कैसे निकलेगा, देखो कभी भी -1 पर या नेगेटिव नंबर पर जब भी, पहले तो ये समझ लो कि एक का कितना भी पावर कर दो एक आएगा, पहले भी ये चीज समझ लेते, एक तो होगा ही होगा, लेकिन अब माइनस लगाएंगे प्लस, तो याद रखो कि नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या अगर होती है तो उसका पावर अगर सम संख्या होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या है और उसके पावर में कोई विषम संख्या हो, कोई ऑड नंबर हो, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम लोग माइनस लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो 2, 1 ये प्लस में इसको उतार दो, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 1 और प्लस 2 और इसको गुना करोगे -1 से, तो 2 × 1 = 2 गए, इनके -2 हो गया। अब देखो 2+ में 2 - में तो कैंसिल हो जाएगा और 1+ में 1 - में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 0। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि हाँ क्या हो जाएगा, -1 p(y) का एक शून्यक है, या फिर सिर्फ लिख सकते हो कि शून्यक है। ठीक है, बस ये आपको लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला बहुपद आपके सामने है, हमें फिर क्या करना है, फिर से p(-1) निकालना है, क्योंकि -1 को ही चेक करना है कि ये शून्य है कि नहीं, तो -1 निकाले, p(-1) निकालेंगे, 5 और -1⁵+-1⁴-6, तो 5 और -1⁵ कितना होगा, -1 होगा, प्लस -1⁴ कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा, -6। बता चुके हैं कि कहां पर माइनस लगाना है, कहां पर माइनस नहीं लगाना है। 5 को -5 - 1 से गुना करेंगे तो -5 आएगा, +1 - 6। देखो बच्चों, इस तरह का जब भी सिचुएशन आएगा तो वहां पे क्या करोगे, जो माइनस वाला होगा उन सबको एक साथ जोड़ोगे, जो प्लस वाला होगा उन सबको एक साथ जोड़ोगे। पहले तो -5 - 6 कितना हो गया, -11 हो गया, +1। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो काम क्या होगा, घटाने का, यानी कि 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब साइन कौन सा लगेगा, तो साइन में देखो कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 11, 11 के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम भी यहाँ माइनस लगा देंगे, तो -10 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p(-1) ≠ 0, इसलिए -1 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। बात समझ आ गई, -1 px का शून्यक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो यहां पर भी वही काम करेंगे, पहले हम p(-1) निकालते हैं, तो 5 - 1⁴ - 1⁴ + 2 - 1 - 7। देखो बच्चों, -1⁴ क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी 5 × 1 हो गया, और 4 × -1⁴ कितना होगा, 1 होगा, प्लस 2 है और यहाँ -1 है, तो दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, -2 - 7 हो गया। अब देखो 5 × 5 हो गया और 4 × 4 हो गया, -2 - 7। बच्चों देखो, मैंने क्या बताया था कि माइनस वाला जो होगा उसको एक साथ जोड़ना, प्लस वाले को एक साथ जोड़ना, 5 × 4 = 9। और यहाँ देखो -2 - 7 कितना हो गया, -9। अब तो ये आसानी से बता सकते हो, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ देखो, चूंकि लिखोगे कि p(-1) = 0, इसलिए x
बराबर माइनस वन एक क्या है, शून्यक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्स बराबर माइनस वन भी लिख सकते हो या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन एक शून्यक है, ये अगर नहीं भी लिखो तो चलेगा, माइनस वन एक शून्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो बच्चों यहां पर भी हमारे पास पी एक्स है, अब हम फिर से पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन का पावर थ्री प्लस माइनस वन का पावर टू बाई फोर, हो गया ना। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो माइनस वन बाई टू लिख देंगे, माइनस थ्री बाई फोर, पहले इसको पावर जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लिखते हैं, माइनस वन का पावर थ्री है तो इसका मतलब माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस वन का पावर टू है तो ये वन बाई फोर हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो माइनस वन बाई टू, देखो तीन इकाई तीन और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस थ्री बाई फोर और प्लस वन बाई फोर। अब क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लो एक साथ, दो चार चार का एलसीएम चार हो जाएगा, दो दूनी चार, तो यानी कि माइनस दो हो जाएगा प्लस तीन प्लस एक। तो बच्चों क्या होगा, देखो तीन एक चार हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस दो प्लस चार बाई चार कितना हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, तो काम घटाने का, इनके चार में से हो गया दो, बड़ा कौन है चार, चार के पहले प्लस, तो प्लस ही रहने देंगे, दो बटा चार यानी के दो इकाई दो, दो दूनी चार इनके कितना आ गया वन बाई टू। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि पी ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए माइनस वन एक शून्यक, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के बराबर तो नहीं आया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि पी ऑफ माइनस वन जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए माइनस वन ए माइनस वन पी एक्स का एक शून्यक, एक शून्यक नहीं है। ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है हो गया। तो आपका जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू ए, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली दो ए, ठीक है, तो इसके इस एक्सरसाइज के मैंने सभी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है, एक एक प्रॉब्लम का, एक एक जो भी इसमें दिया गया क्वेश्चन सारे को मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको सारी वीडियो मिल गई होगी, ठीक है, और सारी आपने देख भी लिया होगा। इस वीडियो को यानी कि 21 और 22 जिसमें बताया गया है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर भूल गए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो एंड होने के बाद कॉपी कीजिएगा लिंक और उसे अपने दोस्तों को जरूर सेंड कीजिएगा, उनको भी बताइए, स्कूल में बताइए, कोचिंग में बताइए, जहां भी आपके दोस्त हैं वहां सबको बताइए, ताकि आपके क्लास की जो ये मैथ्स की भारतीय वन की वीडियो है ये लगातार आती रहे और आपको इसका फायदा होता रहे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।